आपला सोबत अकडा शुभम आमच्याकडे आहे आणि त्यांनी साहेबांचा मेसेज बघितला आणि त्यांनी साहेबांचे पुस्तक पण घेतलं आहे असं वाटतंय. तुमचं काय म्हणणं आहे साहेबांचं पडलं? जो आम्हाला रणजीत सरांनी जो पढाया हमको वो बहुत अच्छा लगा. वो जो पढाया जो हम जो उनका मेसेज पढ़ाया हमको जो वचन पढ़ाया अभी वो हमको हमारे गांव में जाब में हम बांटेंगे वो मैसेज को अच्छे तरीके से लोगों का उद्धार कैसा करना है वो हमको हमको गांव जाने के बाद उनको पढ़ाएंगे. हम अभी इस पुस्तक को जैसा इसमें जो अपना हिंदू का जो है उसके बारे में इसमें लिखा है. अभी मैं एक किताब ले रहा हूँ गाँव जाने को मैं स्टडी करूँगा गाँव के किताब के बारे में मैं बांटूँगा. ठीक है. जैसे कि साहब जी को मैसेज के लिए समय दिया जा रहा है जैसे कि 20 मिनट कुछ दिया जा रहा है उनको टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट के लिए. आपका टाइम के बारे में क्या कहना है? कितना समय देना चाहिए सर को? सर तो पूरा मुझे लग रहा था कि सर का वचन मैं पूरा रात दिन सुनता जाओ क्योंकि मैं बोर नहीं हो रहा था क्योंकि सर जब पढ़ा रहते ना वो अच्छी तरीके से हमको मैसेज दे रहे थे. जैसे कि सर स्टेज पे आते हैं तो आप देख रहे हो कि बहुत लोग मतलब जैसे कि युवाएं हैं बहुत लोग इतने नाच रहे इतने खुश हो रहे हैं उस पर आपको क्या बोलना है? जब सब स्टेज पे आ रहे थे ना तो सब राह देख रहे थे कब सब स्टेज पर आ रहे थे कब हम तालियां से सर को स्वागत करते हैं. स्वागत कर हालेलुया. ठीक है. जैसे कि आप कहाँ से हो सर? मैं महाराष्ट्र से हूँ. तो आपके सर को बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर मैं सर को बुलाऊंगा. हमारे पास्टर के साथ बात करके हम उनसे कॉन्टेक्ट करके हमको हमारे चर्च में उनको बुलाऊंगा उसको पिच करूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आमीन. हालेलुया.